हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक फेस कैम कर रहा हूँ और आगे से शायद हर वीडियो में मैं फेस कैम यूज़ करूँगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिक्वायरमेंट आ रहा है कि सर आप प्लीज़ फेस कैम का यूज़ कीजिए, अपने ऑडियो का यूज़ कीजिए। तो इस तरह से ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोगों को बहुत ईजी फील होगा, तो इसीलिए मैंने आज से ऑडियो या फेस कैम करना शुरू कर दिया है। तो गाइज, आज मैं हैंड ड्राइंग के ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, तो स्किप मत कीजिएगा। हर एक पोर्शन का, हर एक जेस्चर का, हर एक एनाटोमी का पूरा लेसन आप लोगों को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्किप ना करके देखते रहिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर ट्यूटोरियल वीडियो के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुँचे। तो गाइज चलिए देखते हैं। कोई भी ड्राइंग करो, वो ड्राइंग का आपको जेस्चर, प्रोपोर्शन हमेशा दिमाग में रखना पड़ता है, ताकि वो ड्राइंग परफेक्ट बने। अभी देखो, मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मैं बहुत सालों से ये फील्ड पे काम कर चुका हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन जो ये फील्ड पे नए हैं, आप सभी जो स्टूडेंट्स या बिगिनर्स, आप सभी जब नए हो, तो आप लोगों के हाथ से वो डायरेक्टली वो ड्राइंग नहीं निकलेगा, आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो है ब्लॉकिंग। आप सभी देख पा रहे हो कि मैं इधर कैसे ब्लॉकिंग कर रहा हूँ। ब्लॉकिंग मतलब आप कोई भी पेंसिल लेके थोड़ा सा सॉफ्ट आउटलाइन इस्तेमाल करके थोड़ा स्केची लाइन या थोड़ा सा वो प्रोपोर्शन आपको पकड़ना पड़ेगा जो कि आप इधर देख रहे हो, और इसके ऊपर आप धीरे धीरे बोल्ड लाइन या फाइनल लाइन दे सकते हो। इससे क्या होता है, आप लोगों का प्रैक्टिस में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है और धीरे 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 ये ब्लॉक लाइन हट जाता है और आप लोग फाइनल ड्राइंग कर सकते हो। और आप लोग देख पा रहे हो कि मैं अभी इस ड्राइंग पे थोड़ा फाइनल लाइन ऐड कर चुका। और जो मेन चीज़ होता है, हमेशा कोई भी ड्राइंग को थोड़ा नेचुरल इफेक्ट आप लोगों को देना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी ड्राइंग कर रहे हो। आप स्टील लाइफ पकड़ लो, एनिमल फिगर, ह्यूमन फिगर, कोई भी ड्राइंग कर लो, आप लोगों को हमेशा थोड़ा सा नेचुरल फील इसमें देना है, ताकि आपका ड्राइंग एकदम रियल लाइफ की तरह लगे। तो इसके लिए हमेशा आप लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है कि आप लोग एकदम 3D शेडिंग करने बैठो, वो हमेशा उतना टाइम नहीं होता है। तो क्या करना होगा, तो ये ड्राइंग पे आप हमेशा थोड़ा सा पेंसिल शेड यूज़ करो, ज़्यादा नहीं, बस कुछ कुछ जगह पे, ताकि उसका जो 3D इफेक्ट है या उसका जो नेचुरल इफेक्ट है वो निखर कर सामने आए। आप लोग इधर देख सकते हो, मैं हर एक लाइन के बाद एक एक करके थोड़ा पेंसिल स्ट्रोक या पेंसिल शेड यूज़ कर रहा हूँ, जिसके लिए ये ड्राइंग और भी नेचुरल लग रहा है। तो गाइज, ये मेरा पूरा ड्राइंग हो गया, आप सभी देख सकते हो इधर। तो गाइज, ये वीडियो अगर आप सभी को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो पे।